अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू रिजन डिज़ाइन। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज हम लोग बनाने वाले हैं बेसिकली जॉन विक 4 पे पोस्टर। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सजेशन आई थी क्योंकि मैंने यूट्यूब पे एक पॉल ऐड की थी जिसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था कि भाई जॉन विक 4 पे पोस्टर चाहिए या नहीं। तो ऑलमोस्ट मेरे पास 78 वोट्स आए हैं येस पे, और मैंने सोचा क्यों ना इसी को फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं और जॉन विक 4 पे पोस्टर बनाते हैं। क्योंकि चैनल बेसेंस कोई मूवी पोस्टर अभी तक नहीं बनाता, काफ़ी टाइम हो चुका है। तो मैंने सोचा क्यों ना मूवी पोस्टर्स भी थोड़े से टारगेट करें और मैं तुम लोग को सिखाते रहूं। तो सबसे पहले तो मैं अब तुम लोग को दिखाने वाला हूं आज का स्टॉक। तो ये है हमारे पास स्क्रीन पे सारा स्टॉक, और ये स्टॉक जो तुम लोग को दिख रहा है ये सारे बेसिकली HD मूवी वॉलपेपर्स हैं। तो क्योंकि इमेजेस मेरे पास इतनी खास नहीं थी और ना मुझे मिल रही थी, क्योंकि न्यू मूवी अभी आई है तो ऑलमोस्ट टाइम लगेगा स्टॉक को क्लीन आउट और क्या कहते हैं बिल्कुल ज़्यादा मतलब क्लियर होने में, मतलब उस हिसाब से फिर सीन बाय सीन फ्रेम बाय फ्रेम पिक्चर्स रिलीज़ होती जाएंगी। लेकिन सिर्फ वो काफ़ी टाइम लगेगा, तो मैं सोचा क्यों ना हमारे पास जो वॉलपेपर इमेजेस हैं इन्हीं को कटआउट लेंगे और इन्हीं का कटआउट लेके इन्हीं में ब्लेंडिंग्स कलर लाइटिंग्स और कलर ग्रेडिंग करने के साथ साथ हम इनको मर्ज करेंगे पोस्टर में। ठीक है, तो चलो फिर अब तुम लोग रेडी हो गए एडिटिंग के लिए, तो हम चलते हैं एडिटिंग स्क्रीन की तरफ।
सो गाइस, उम्मीद करता हूँ तुम लोगों ने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा हो, और अगर सीखा हो तो ज़रूर मुझे बताना, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देना। इसी के साथ ये था जॉन विक फोटो पोस्टर, और इसमें मैंने यही सिखाया कि किस तरीके से कलर्स और जितने भी कास्ट हैं उन सबको हम किस तरीके से मर्ज कर सकते हैं। मर्ज करने के साथ साथ फिर मैंने तुम लोग को ब्लेंडिंग बताई। बेसिकली जो वॉलपेपर्स की इमेजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से मिलती जुलती थी, तो हमने कोशिश ही रखी कि हम उसी कलर टोन पे जाएं और उनके कलर्स को ज़्यादा ना ख़राब करें। और मतलब मेरे माइंड में जो टोन थी वो ऑरेंज और येलोइश टोन थी, और उसी से मिलता है रेड भी, तो ये कहलाती है सनसेट सनराइज टोन। ठीक है, बिल्कुल, जब तुम देखते हो दिन में सूरज वगैरह निकल रहा होता है तब उस टाइम आती है ये टोन, और सो ऑन। इसी से मर्ज कलर्स और इसी से इनहेरिट कलर्स होते रहते हैं। तो इसके साथ साथ ये कि उम्मीद करता हूँ लोगों ने वीडियो को पसंद किया हो, अगर पसंद किया हो तो ज़रूर थम्स अप करना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और न्यू नोटिफिकेशन तुम लोग को जल्द मिलती रहेंगी। बाय द वे, मैं शॉर्ट्स वीडियोस डालता हूँ, तुम लोग काइंडली उस पर भी अपना थोड़ा सा सपोर्ट शो करो। मिलता हूँ इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।